जो है इसका इलाहाबाद नामकरण कर दिया गया वह गलत किया था। हमारा धर्म परिवर्तन करने के फेर में अपना अपना जो है इलाहाबाद को बदल दिया, अयोध्या को जो है फैजाबाद बना दिया, काशी को बनारस बना दिया, इस तरह से बनाते हुए गलत किया था। और योगी जी बहुत अच्छे काम किए जो इसको प्रयाग काशी और अयोध्या कर दिए। जो पग परे प्रयाग में कि पाप पहाड़ बिलाए, जन्म जन्मांतर के पाप जो है प्रयाग में चरण रखने मात्र से ही बिला जाता है। और गंगा जमुना सरस्वती का यह संगम है, त्रिवेणी है, यहाँ स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है और सब पाप बिला जाता है। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजे टीवी न्यूज। अभी हम तीर्थराज प्रयाग में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि माघ मेला कहां पे मेला चल रहा है। कल जो है कि मौनी अमावस्या था, यहां पे लोग संगम स्नान भी किए। हम भी आए हैं, हमारे साथ कैमरा पर्सन पिंटू पांडे जी भी आए हैं और अभी हम पहुँच चुके हैं एक कौशलेंद्राचार्य जी महाराज हैं उनके बाड़ा में। आपको बता दूँ सकरी खुर्द से ये आते हैं और सकरी खुर्द जो ठाकुरबाड़ी वहाँ के महंत हैं वैकुंठवासी स्वामी कमल नयन चार्य जी महाराज का ये संस्था है, सेवा आश्रम लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो सकरी खुर्द अरवल से आए हैं तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि किन्नों से इनका यहाँ पे बाड़ा आ रहा है, तमाम जानकारी इनसे लेंगे और इनसे भी जानना चाहेंगे। कौशलेंद्राचार्य जी महाराज हैं तो इनकी बाड़ा में हम जाते हैं, इनकी कुटिया में हम जाते हैं और इनसे तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आप तक जानकारी पहुँचाएंगे। देखते रहे जी टीवी न्यूज। टेंट के अंदर जो है कि कौशलेंद्राचार्य महाराज यहाँ पे है, मौजूद हैं, इनसे जाएंगे और तमाम मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो सीधे ले लिया चलते हैं। तो कौशलेंद्राचार्य महाराज के कुटिया में मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौशलेंद्राचार्य महाराज हैं। इनसे जानना चाहेंगे कितने दिनों से अपना एक बाड़ा लेकर यहाँ पे तीर्थ राज प्रयागराज में आते हैं, तमाम मुद्दे पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे हम अपना चैनल में महाराज जी। जी महाराज, महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, आप सकरी खुर्द अरवल जिले से आए हैं तो हमें जानना चाहेंगे कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पे प्रयागराज में। एक करीब मुझे 35 वर्ष हो गए आते हुए जी तीर्थराज प्रयाग में। तो 35 वर्षों से आ रहे हैं तो आपके बाड़ा में कौन कौन से जिले से लोग आते हैं, ठहरते हैं? हमारे जिले में बिहार के करीब करीब 5-6 जिले से लोग आते हैं जी। अरवल जिला है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, गया है, पटना है, नवादा क्षेत्र के कुछ लोग हैं, यहाँ लोग आते रहते हैं शिविर में। शिविर में रहते हैं और कल जो है कि मौनी अमावस्या भी था तो मौनी अमावस्या में यहाँ पे संगम में लोग स्नान भी किए तो हम जानना चाहेंगे यहाँ की विशेषता क्या है, संगम में नहाने का क्या फल मिलता है, क्या कुछ होता है? जो पग परे प्रयाग में कि पाप पहाड़ बिलाए, जन्म जन्मांतर के पाप जो है प्रयाग में चरण रखने मात्र से ही बिला जाता है। और गंगा जमुना सरस्वती का यह संगम है, त्रिवेणी है, यहाँ स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है और सब पाप मिला जाता है। महाराज जी और भी हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी प्रयागराज इसका पुराना नाम था और भी वर्तमान में जैसे कि योगी जी फिर से बात में प्रयागराज रखे हैं, इसके पहले इलाहाबाद के नाम से लोग जानते थे, अभी भी जिला इलाहाबाद में ही है तो नाम परिवर्तन हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आपका विचार? नहीं, योगी जी बहुत बड़ा काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। ये पुरानी परंपरा हमारे शास्त्रों में प्रयागराज ही थी जी। ये तो मुगल सम्राट के आने के बाद जो है इसका इलाहाबाद नामकरण कर दिया गया वह गलत किया था। हमारा धर्म परिवर्तन करने के फेर में अपना अपना जो है इलाहाबाद को बदल दिया, अयोध्या को जो है फैजाबाद बना दिया, काशी को बनारस बना दिया, इस तरह से बनाते हुए गलत किया था। और योगी जी बहुत अच्छे काम किए जो इसको प्रयाग काशी और अयोध्या कर दिए, बहुत अच्छा काम किया। महाराज जी जैसा कि आपको बता दूं, जहाँ तक हमें जानकारी है, ब्रह्मा जी सृष्टि का जब रचना किए उसके बाद फर्स्ट यानी पहला जग जो है कि प्रयागराज में किए, थोड़ा हम इस पे थोड़ा जोर आप दें, इस पे विशेषता आप बताएं कैसा क्या था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? इसलिए हुआ था कि यह धार्मिक तीर्थ स्थल है, सब तीर्थ राजो जयति प्रयाग, सब तीर्थ के राजा प्रयाग हैं, इसलिए यहाँ कोई भी पुण्य कार्य होता है इसमें अति नहीं है। ब्रह्मा जी आज भी जग यहाँ इस तीर्थराज प्रयाग में एक माह में करीब करीब हजारों जगशाला बने हुए हैं और जग लोग कर रहे हैं आज भी, और कथा प्रवचन के माध्यम से अपने भक्तों को
आशीर्वचन देकर समझाते हैं, बुझाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, ये कार्य चल रहा है। इस बार आपके बाड़ा में जैसा क्या बताया कि अरवल, जहानाबाद सहित कई जिलों से लोग आते हैं आपके बाड़े में, तो हम ये जानना चाहेंगे वर्तमान में कितने लोग हैं और कितने लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं आपके बाड़ा में? ये तो कोरोना काल के चलते कुछ भीड़ कम है, लेकिन करीब करीब 500 आदमी कल मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रतिदिन यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। दोनों टाइम भंडारा चल रहा है, कंटिन्यू चाय नाश्ता और महाप्रसाद की सारी व्यवस्था है। जो भी आते हैं भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। मौसम ठंड का भी है तो कंबल? हाँ, वहाँ ओढ़ना भी दिया जाता है, देखा जाता है। जिसके पास में ओढ़ना बिछौना की व्यवस्था नहीं है तो उसको संस्था द्वारा माने प्रदान किया जाता है। और प्रयागराज के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? प्रयागराज तो कहीं थे कि प्रयागराज तीर्थों के राजा, यह प्रयाग है। यहाँ भगवान जब श्री राम ही आन के, भगवान श्री राम जो हैं यहाँ आए हैं और एक महीना यहाँ जो हैं माने रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में। भगवान रात्रि विश्राम किए हैं यहाँ। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। इस बट वृक्ष के नीचे जो आज यहाँ छह बट है वहाँ पर भगवान श्री राम विराजमान रहे हैं। इसलिए कि यहाँ जो है उनको प्रतिज्ञा था कि हम किसी के घर में नहीं रहेंगे, तो भारद्वाज मुनि से पूछे कि हम कहाँ रहे हैं, तो वह बट के नीचे वहाँ बतलाया गया, वहीं भगवान रहे। महाराज जी, जैसे माधव बेनी का भी नाम आता है तो हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे? नहीं, माधव बेनी माधव भगवान जो है यहाँ का साक्षी है जी। जो भक्त आता है और बेनी माधव को दर्शन नहीं करता उसका कोई फल नहीं होता है। बेनी माधव दर्शन करना, हाँ एकदम अनिवार्य है, दर्शन करना चाहिए उनके। बेनी माधव भगवान का दर्शन करना चाहिए, इसलिए कि साक्षी वही है यहाँ प्रयाग के लिए। हाँ, जैसे अभी सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई क्या क्या सुविधा प्रदान की गई है? सरकार कुंभ अर्धकुंभ में विशेष सुविधा प्रदान करती है। अभी कोई सुविधा विशेष नहीं है, बिजली शौचालय नल भूमि ये सब सरकारी व्यवस्था है, और कुछ संतों के टेंट वगैरह भी प्रदान करता है। प्रयागराज जिला प्रशासन नगर निगम से सहायता जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है? नहीं, नहीं मिल रहा है, कुछ मिला है कुछ न भी मिला है। जैसे राशन उशन व्यवस्था पहले होता था, अब नहीं हो पा रहा है। इनसे जोगी जी के रीजन की नहीं बात है, पहले से ही सरकार लोग बंद कर दिया है। माघ में पहले सभी को राशन का कार्ड बनता था, राशन दिया जाता था, चावल आटा चीनी सब दिया जाता था, लेकिन अब नहीं मिलता है। अब कुंभ अर्धकुंभ में सिर्फ मिलता अभी है। अभी जो टेंट लगा है यहाँ पे, तो टेंट सरकार की तरफ से आपको मुहैया कराई गई है? नहीं, टेंट सरकार की तरफ से नहीं है, टेंट तो प्राइवेट में लगवाया हूँ इसमें। हाँ, एक तो किराया की मकान है। कब तक चलेगा आपका ये बाड़ा? शिविर मेरा 16 फरवरी तक है, 14 जनवरी से 16 फरवरी तक यहाँ सेवा शिविर संचालित होगा। शुरुआत कब होती है? 14 जनवरी से 16 फरवरी तक एक माह की यहाँ माघ स्नान है, पूरे माघ पर्यंत कही है। ऐसे तो संक्रांत अभी इंशाल्लाह आ गया है पूस में, इसलिए पहले बढ़ गया है आना, तो पूस पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक यहाँ सेवा शिविर है। अभी यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं इनके शिविर में? यहाँ पर आ रहे हैं अभी करीब करीब 21-22 साल। आपका शुभ नाम? नवीन किशोर। नवीन किशोर जी, कितना सालों से बताएं आप? 22 साल से। 22 साल से लगातार आ रहे हैं। हाँ। तो आप भी प्रयागराज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? प्रयागराज के बारे में हम विशेष क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग आते हैं, शिविर में ठहरते हैं, शिविर में अच्छा नहीं होती है ना वो, ये सुविधा ना यहाँ पर इतना सुविधा होती है कि गर्म पानी समय पर, चाय समय पर, इसके बाद भोजन नाश्ता सारा व्यवस्था यहाँ पर शिविर में मिलती है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ कौशलेंद्राचार्य जी महाराज, जो सकरी खुद अरवल को जो मठ है वहाँ के मठाधीश हैं, और यहाँ पे लगातार कई वर्षों से अपना बाड़ा लेकर शिविर लेकर आते हैं। और इन्होंने ये भी बताई कि जिला प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से जो मुहैया कराई गई है वो कई इसके पिछले सरकार से ही कुछ कम कर दी गई है। तो देखना यह है कि योगी जी का सरकार है, और योगी जी पे काफ़ी खुश भी थे महाराज जी। इनका कहना है कि जो पुराना प्राचीन नाम था इलाहाबाद का प्रयागराज, वो फिर से नाम कर दिया गया है इलाहाबाद को, जो है कि आप देख सकते हैं जैसा जैक्सन यहाँ पे प्रयागराज के नाम से है। कोरोना काल की भी बात इन्होंने कही, कोरोना काल का कहीं ना कहीं असर भी पड़ा है। तो देखना यह है कि योगी जी और कितना बढ़ावा देते हैं तीर्थ स्थल पे प्रयागराज को। देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, और टेंट लगा है, शिविर लगा हुआ है, शिविर लगा है, इसी में जो है कि श्रद्धालु रहते हैं, इनका जो भक्त आते हैं वो रहते हैं यहाँ पे। और जैसा कि लोग बता भी रहे थे कि चाय पानी समय पे मिलता है, भोजन मिलता है, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो देखते रहें AJTV न्यूज़।